बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्स्ट किए व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर बोथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर नोन वाला जो केस था वो हमने डिस्कस किया था और उसके उसका जनरल प्रोसीजर डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, एग्जांपल्स की थी। आज हम उस टॉपिक रिलेटेड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 165 और इसका ए पार्ट है और इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, अ सैंपल ऑफ साइज 6 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 गिव एक्स बार 1 = 1 = 15, अ सैंपल ऑफ साइज 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 18 गिव एक्स बार 2 = 13। टेस्ट हाइपोथेसिस एच नॉट μ1 - μ2 = 0 अगेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच 1 μ1 - μ2 ≠ 0 and let alpha is equal to 0.05। तो इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप देखिए, सैंपल ऑफ साइज 6 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो नोन है, फर्स्ट पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो 24 है और सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो 80 है। तो इट मीन के इसमें हम जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो जी टेस्ट अप्लाई होगा। अब हम 6 स्टेप्स की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। नल हाइपोथेसिस है μ1 - μ2 = 0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है μ1 - μ2 ≠ 0। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.05। थर्ड स्टेप है आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से डिसाइड हमने शुरू में कर लिया था कि वो जी टेस्ट अप्लाई होगा और उसका फार्मूला x bar 1 - x bar 2 / √σ1² / n1 + σ2² / n2। अब हम कंप्यूटेशन में हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले सैंपल साइज दिया हुआ है यानी n1 6 है, σ1² = 24 है और x bar 1 = 15 है और n2 जो 8 है √13। इस तरह ये 6 वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो z कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो है 0.53। तो ये टू साइड हाइपोथेसिस है इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू लोगे तो वो भी 0.53 ही आएगी। तो इसके बाद है क्रिटिकल रीजन, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ मॉड वैल्यू ऑफ z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू z अल्फा बाई 2 यानी 0.05 के पहले 2 टेल टेस्ट में जो हमारे पास वैल्यू है वो टेबल की है 1.96। तो आपके पास इट मीन कि हम रिजेक्ट करेंगे अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हो। तो यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो स्मॉलर आ रही है टेबल की वैल्यू से, इट मीन वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट और एक्सेप्ट एच नॉट। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 ये पार्ट हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है। उसमें आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों जो है वो नोन है, इट मीन के जी टेस्ट अप्लाई होगा। नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी क्लियरली दिए हुए हैं, टू साइडेड हैं, हर उसमें n1 n2 की भी वैल्यू है, x bar 1 and x bar 2 की भी वैल्यू है। वो सिंपली आप लोगों का जो ए पार्ट है एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। हाँ अलबत्त इसमें जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 0.06 है, तो 0.06 की बजाय आप इस क्वेश्चन को 0.05 से ही कर लें तो वो ही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं और उसकी स्टेटमेंट इस तरह है,
the two samples A and B detailed below were taken from a normal population of standard deviation 2.5. Decide whether the difference of sample mean is significant at the 0.05 level of significance. तो यहाँ पे भी आप देखें कि दोनों दो सैंपल जिन पॉपुलेशन से लिए गए उन पॉपुलेशन का वेरिएंस 2.5 है, यानी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो है वो 2.5 गिवन है। तो इट मीन यहाँ पे हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब हम इस 6 स्टेप की तरफ जाते हैं, तो आप देखें कि इसमें है डिसाइड वेदर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंट। तो इस तरह के मीन में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, तो इसमें एच एन आर जो वो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू आ जाएगा, या म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो। अल्टरनेटिव आई बात है म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू या म्यू वन माइनस म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो 0.05 आप ले लें। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास आ जाएगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाय सिग्मा एन टू अंडर रूट ऑफ 1/(n1) प्लस 1/(n2)। अब इसमें आप देखेंगे सिग्मा की वैल्यू 2.5 है, एन वन जो है 11 है, एन वन भी 11 है और एन टू भी 11 है। अब आप लोगों को चाहिए कि x बार 1 एंड x बार 2, तो a जो सैंपल है उसको आप सम करेंगे और 11 पे डिवाइड करेंगे तो वो x बार 1 आ जाएगा, और उसका यानी x बार 1 का फार्मूला होगा समीशन x 1/(n1) इज इक्वल टू 217 डिवाइडेड बाय 1 एंड n2 10 है, यानी दोनों जो सैंपल की वैल्यूज है वो 10 है, इसलिए x बार 1 समेशन x/(n1) इज इक्वल टू 217 डिवाइडेड बाय 10 और इसका आंसर आ जाएगा 21.7। इसी तरह जो सैंपल 2 है उसको हम x2 कहते हैं और उसका जो सम आ रहा है वो 243 है, तो 243 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x बार 2 की जो वैल्यू है वो 24.3 आ जाएगी। इस तरह इन तमाम वैल्यू को हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक उसमें आप पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो -2.32 आएगा। तो ये चूंकि हमारे पास हाइपोथेसिस 2 साइडेड है तो इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो जी मॉड वैल्यू जी जो है वो आएगी 2.32। फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच एन आर इफ मॉड वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, यानी जी कैलकुलेटेड जो वैल्यू उसकी मॉड वैल्यू 2.32 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी टेबुलेटेड वैल्यू और 0.05 पे 2 के टेस्ट के नीचे जो वैल्यू है टेबल की वो है 1.96। तो इट मीन कि आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है तो आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी इट मीन कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन मीन इज सिग्निफिकेंट, कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट केस था कि व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नोन देन वी यूज जी टेस्ट, वो हमने किया था, दो एग्जांपल और दो क्वेश्चंस किए थे। अब हम जिसका सेकंड केस है कि टू मीन की टेस्टिंग व्हेन बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर बोथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर अननोन बट both sample sizes are large, mean कि both sample sizes greater than 30, then again we use z-test, और इसके related जो exercise में first question है वो question number 21 है और 21 है, और इसकी statement इस तरह है, an examination was given to two classes or 40 students and 50 students respectively,
इन द फर्स्ट क्लास मीन ग्रेड वाज 74 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 while in the second class the mean grade was 78 with a standard deviation of 7 is there a significant difference between the mean grade at 5% level of significance and second at 1% level of significance so isme aap dekhenge first two lines jo hain wo sample ke related hain तो पॉपुलेशन वेरिएंट या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का कहीं नहीं जिक्र। तो जब पॉपुलेशन वेरिएंट या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो फिर हम सैंपल साइज की तरफ देखेंगे। तो फर्स्ट सैंपल साइज जो है वो 40 है सॉरी जो फर्स्ट क्लास है उसका जो साइज है वो 40 स्टूडेंट्स का है यानी N1 40 है और N2 50 है। इट मीन कि बोथ सैंपल साइजेस जो है बोथ सैंपल साइजेस जो है वो ग्रेटर देन 30 है। तो इट मीन कि हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे लेकिन उसका फार्मूला होगा x^1 − x^2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s1² डिवाइडेड बाय n1 प्लस s2² ओवर n2 यानी सैंपल वेरिएंसेस आपके पास आ जाएंगे पॉपुलेशन वेरिएंसेस की जगह। तो अब हम इसके 6 स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस और वो हाइपोथेसिस और वो आपके पास है μ1 = μ2 या μ1 − μ2 = 0 और वो इस तरह से कि जो लास्ट सेंटेंस है उसमें आप देखिए कि देयर आर सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन ग्रेड कि क्या मीन ग्रेड के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इस सूरत में आपके पास μ1 − μ2 = 0 या μ1 = μ2 ये नल हाइपोथेसिस बनता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस μ1 ≠ μ2। सेकंड है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इसमें दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। एक फर्स्ट है 5% 0.05 और दूसरा 1% मीन के 0.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला इसके बाद आ जाएगा और इसके बाद फोर्थ स्टेप है कंप्यूटेशन। तो N1 40, N2 50, X^1 74 ये भी गिवन है, S1 ये 8 है ये भी 78 एंड S2 = 7 ये सारी वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। इन वैल्यूज को हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में पुट करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो -2.48 है। तो इसकी हम मॉड वैल्यू लेंगे और वो आएगी 2.48। अब हमारे पास क्रिटिकल रीजन दो बनेंगे क्योंकि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो हैं। रिजेक्ट H&R इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू जी टैबुलेटेड वैल्यू एट 5% 5% पे टू टेल के नीचे जो टेबल की वैल्यू है वो है 1.96 और 1% पे जो टेबल की वैल्यू है वो है 2.575। तो इट मीन के रिजेक्ट H&R एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बट डू नॉट रिजेक्ट H&R एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी हम 5% पे कहेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन ग्रेड और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between grade mean at 1% level of significance when both population variance are standard deviation are known but sample sizes are large। इसके related एक example भी दी हुई है इस case के related और ये example page number 147 पे है और इसकी स्टेटमेंट इस तरह है अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन टू रैंडम सैंपल ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स इन अ सर्टेन कंट्री द फॉलोइंग रिजल्ट वर रिकॉर्डेड नंबर इन सैंपल्स मीन स्कोर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन सोल्जर्स एंड सेलर्स यानी सोल्जर्स को आप सैंपल 1 कह लें और सेलर को आप सैंपल 2 कह लें। तो उस लिहाज से आपके पास जो N1 है
वो है 332 और एन टू है वो 650। इसी तरह आपके पास x बार 1 जो है वो 12.78 और x बार 2 जो है 12.99। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी S1 जो है 2.43 और S2 2.48। नीचे है अज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ स्कोर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। तो इसमें आप देखेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस का जिक्र नहीं है, तो इट मीन के जी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे एक्स बार 1 माइनस बार 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। अब इसमें जो हाइपोथेसिस है वो हम बनाएंगे μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0, इट मीन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर और H1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन। तो आपके पास सेकेंड स्टेप आ जाएगा अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और वो आप लोगों ने यूज कर लेना 0.05। इसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड स्टेप, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि इसमें जी टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमारा कंप्यूटेशन का जो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप दिया हुआ है, तो इसमें आप देखें X bar 1 X bar 2 की वैल्यू भी दी हुई है, S1, S2 की भी वैल्यू दी हुई है। तो चूंकि फार्मूले में वेरियंस यूज हो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए यहाँ पे उनके स्क्वायर लिए गए हैं और सैंपल साइजेस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट सैंपल साइज है 332 और सेकंड सैंपल साइज है 615। तो उन वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 1.25 है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी मॉड जब वैल्यू हम लेंगे तो ये 1.25 ही रहेगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट इट नॉट इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड वैल्यू। तो 5% पे टेबुलेटेड वैल्यू 1.96 है, तो आप देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, तो इट मीन कि वो डू नॉट रिजेक्ट इच नॉट और एक्सेप्ट इच नॉट। तो कंक्लूजन में आप देखेंगे सिंस द कैट डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन देयरफॉर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0 μ1 minus μ2 is equal to 0 at 5% level of significance. In other words, on the basis of the evidence, यानी sample जो हमारी information थी उसकी base पे हम क्या conclude करने जा रहे हैं, we may conclude that the difference between the score is insignificant or merely due to chance. तो ये इसका finally conclusion है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होती है और आज का लेक्चर भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी केस के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।